सो व्हाट्सअप गाइज, तो आगे फिर से एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। एंड गाइज, आज किस वीडियो के अंदर हम करने वाले पुष्पा 2 फोटो एडिटिंग। सो आप लोग गाइज स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा फोटो, ठीक है गाइज। हमारा पहले का फोटो देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज आप लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड आप लोग भी गाइज पुष्पा 2 फोटो एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग गाइज करना है कि अपने सिंपल सी फोटो गाइज यहाँ से शेयर करना है अपने लाइट रूम एप्लीकेशन अंदर, ठीक है। जिस भी फोटो गाइज आपको पुष्पा 2 पर एडिट करना है, ठीक है, आप लोग कुछ इस टाइप का पोज मार लेना, ठीक है गाइज। ऐसा गाइज बैठा हुआ फोटो रहना चाहिए गाइज, इस लकड़ी पे फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को चलना है अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज हमारा फोटो आ गया लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आप लोग गाइज करना क्या, नीचे लाइट पे क्लिक करना है। ऐसे थोड़ा सा गाइज फोटो का एक्सपोजर बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे हल्का सा। एंड इसके शैडो को भी गाइज, एंड व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एंड ब्लैक को गाइज कम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइज कलर पे क्लिक करना है। एंड कलर पे आप लोग मिक्स पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करना है आप लोग, ठीक है। इसका सेचुरेशन कम कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। एंड इसका लेंस को बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप लोग इस कलर पे क्लिक करना है। एंड इससे गाइज सबका जो है सेचुरेशन पूरा माइनस कर देना, ठीक है, इस टाइप से। एंड इस कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से गाइज देखो हमारा जो रेड है ना जो शर्ट का, उसका यहाँ से कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसको इस टाइप का कलर रखते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं डन। उसके बाद आप लोग इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड इसका गाइज क्लैरिटी हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से टेक्सचर को भी इतना हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आप लोगों का यहाँ से फोटो को शेयर करना है अपने फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज अपना डाटा कर लेना, ठीक है। फोटो रूम एप्लीकेशन आपको गाइज प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड आप लोग गाइज नीचे आना है। यहाँ पे गाइज देखो लिखा हुआ ट्रांसफर में, यहाँ पे देखो गाइज लिखा है ना ट्रांसफर में, उस पर गाइज आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। एंड ऊपर शेयर वाले पे क्लिक करेंगे। एंड इसको गाइज यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग गाइज करना क्या है, अपने आना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना, ठीक है। एंड प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। एंड एडिट फोटो पे हम अपना जो है बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस बैकग्राउंड ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग को और पीएनजी सब ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड। हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड वाले पे हमें डाउनलोड किया, ठीक है। ये रहा गाइस, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। एंड अपना फोटो का गाइस जो भी रिमूव किया है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसको गाइस यहाँ से इसका साइज को बड़ा कर देना आप लोग को, ठीक है। एंड अपने फोटो पे क्लिक करेंगे। एंड अपने फोटो को गाइस साइज को इस टाइप से बड़ा कर लेना अपने फोटो को भी, ठीक है। एंड इस टाइप से आप लोग को फिट कर लेना, जैसे तो गाइस काफ़ी गजब लग रहा है। एंड उसके बाद आप लोग गाइस इस टाइप से लेना। उसके बाद आप लोग को नीचे देखा देखिए लिखा होगा स्टिकर, इस पर क्लिक करेंगे। एंड सर्च करेंगे यहाँ से गाइस शैडो, ठीक है, शैडो लिख के सेट सर्च कर देना, ठीक है आप लोग को। उसके बाद आप लोग गाइज ये वाला शैडो सेलेक्ट करना। देखो गाइज यहाँ वो गोला वाला ये देख सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको यहाँ पे टर्न करेंगे। एंड यहाँ पे इसको फिट इस टाइप से करेंगे। एंड इसको गाइज ऊपर देखिए गाइज इरेज के बगल में लेयर वाले पे क्लिक करना है। एंड मूव टू डाउन कर देंगे, ठीक है। एंड इस टाइप से इसको लगा देंगे जिससे गाइज लगे कि एकदम रियलिस्टिक बैठा हुआ है, ठीक है। एंड इसका ऑपेसिटी हल्का सा कम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइज फिर से स्टिकर पे क्लिक करेंगे। एंड इधर आना आप लोग को थोड़ा सा नीचे और आएंगे। एंड उसके बाद आप लोग गाइज ये वाला शैडो लेना, ठीक है, ये वाला। एंड इस शैडो को हम गाइज लगाएंगे अपने पैर के नीचे, ठीक है, यहाँ पर फिट करना है अपने पैरों के नीचे। एंड फिर इसको गाइज मूव टू डाउन कर देंगे, ठीक है। फिर इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे गाइज, मूव टू डाउन के बगल में डुप्लीकेट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड इसको गाइज यहाँ पे हम इसको भी गाइज यहाँ से मूव टू डाउन कर देंगे, ठीक है। एंड इतना हो जाएगा, आप लोग यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग एल डी साउ पी एन जी सब ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सब पीएनजी भी आपको नीचे मिल जाएगा। एंड इसको गाइस यहाँ से इसका साइज को बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से इसका साइज को बड़ा कर लेंगे। एंड ऊपर इरेज वाले पे क्लिक करेंगे। एंड इधर से गाइस नीचे से इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। एंड इस टाइप से करेंगे जिससे गाइस लगे कि लकड़ी के पीछे, ठीक है, रियल में। एंड इसका हार्डनेस को पूरा 100 कर देना है, साइज को कम करेंगे। एंड इस टाइप से हल्के हल्के से इसको इरेज कर देंगे, ठीक है।
एंड यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करेंगे, इसको गाइज ऊपर में लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे लगाएंगे पुष्पा टू, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है गाइज, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड फिर यहाँ से कर लेते हैं डन, एंड कुल्हाड़ी पीएनजी से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइज ये रहा हमारा कुल्हाड़ी पीएनजी कुल्हाड़ी, ठीक है। इसको यहाँ पे स्टेप से हाथ में लगाएंगे एंड ऊपर इरेज वाला इरेज वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइज। एंड इधर उंगली पे से इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। स्टेप्स आपको करना है, यहाँ से कर लेते हैं डन, ठीक है फ्रेंड। तो गाइस देख सकते हो पहले का बैकग्राउंड बिफोर है ना आपका, ठीक है, कितना ज़्यादा हम चेंजिंग कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइस फिर से स्टिकर पे क्लिक करेंगे एंड फिर से गाइस यहाँ पे हम सर्च करेंगे शैडो, ठीक है। फिर से शैडो आप लोग को सर्च करना है, शैडो लिख के फिर से सर्च कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइस ये वाला शैडो लेना है, ठीक है, ये वाला देख सकते हो, पढ़ेंगे इसको लेंगे एंड इसको गाइस यहाँ से हम नीचे में लगाएंगे, ठीक है। इसको साइज को बड़ा करके नीचे से लगाएंगे एंड उसके बाद डन कर देंगे, ठीक है। उस फोटो का आप गाइज आप करना है सेव एंड आप गाइज आपको फोटो को शेयर करना है अपने आउटोडेस्क स्केचू के अंदर, ठीक है। तो गाइज आगे हम अपने आउटोडेस्क स्केचू के अंदर, उसके बाद आप लोग गाइज करने का है इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाले पे एंड गाइज यहाँ से एक सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ये है सॉफ्ट लाइट, इस पर करके डन कर लेंगे। एंड यहाँ से गाइज लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे एंड ऊपर जाना आप लोग को एंड यहाँ से गाइज ट्रेडिशनल का ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है आप लोगों को मीडियम ब्रश, ठीक है। सेटिंग पे जाएंगे एंड साइज को गाइज यहाँ से करेंगे कम एंड कलर को रखना है रेड, ठीक है। एंड फोटो गाइज करेंगे जूम एंड अपने फोटो भी स्टाफ से हल्का हल्का से गाइज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड इसमें गाइज जो ज़्यादा लिप को रेड नहीं रखेंगे, हल्का सा रखेंगे, ठीक है। एंड इसका गाइज यहाँ से ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे, बहुत ही कम रखेंगे, ठीक है, इतना रख लेंगे, मच कर देंगे, ठीक है, इतना सही लग रहा है। उसके बाद आप लोग को गाइज इससे लाइब्रेरी पर जाना है, नीचे जाना है आप लोग को एंड ये वाला ब्रश लेना है, ठीक है, स्मूथ के लिए। एंड सेटिंग पर जाएंगे एंड इसका थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। स्केच को यहाँ से 17 रख लेते हैं एंड फॉलो को 3 या 4 रख लेना एंड साइज को अपने हिसाब से एंड फोटो गाइज कर लेंगे जूम एंड यहाँ से गाइज हम अपने फेस को जो है स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। स्टेप्स आप लोगों को गैस यहाँ पे छोटा है, जैसे गैस यहाँ पे छोटा है ना तो इस साइज को आपको छोटा करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, स्मूथ करना है, ठीक है। स्टेप्स एकदम नाक पे भी कर देना हल्का हल्का सा, ठीक है, साइज को छोटा करके करना आप लोग, ठीक है गैस। अपने हाथों पे भी कर देना हल्के हल्के से, ज़्यादा गाइज रगड़ना नहीं, ठीक है। मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ, तो स्मूथ तो हो गया। उसके बाद आप लोग गाइज यहाँ से फोटो को सेव कर लेना, ठीक है। एंड गाइज इस फोटो को शेयर करना अपने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर, ठीक है गाइज, जिसमें गाइज हम कलर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो सीधा गाइज चलिए हम अपने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर ही चलते हैं। तो गाइज हम आगे अपने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइज करना क्या है, लाइट पे क्लिक करेंगे एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसका शैडो को बढ़ा लेंगे एंड ब्लैक को कम करेंगे, ठीक है, हल्का सा कम करना। उसके बाद आप लोग गाइस कलर पे क्लिक करेंगे एंड इसका गाइस टेम्प को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसका वाइब्रेशन को बढ़ा लेंगे हल्का आगे एंड उसके बाद आप लोग को मिक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इस कलर पे क्लिक करना है आप लोग को, इसका सेटिंग हल्का सा कम कर लेंगे एंड लेवल्स को बढ़ा लेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे, इसका गाइस ह्यू को कम कर लेंगे, ठीक है, पीछे की ओर हल्का सा एंड लेयर सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड इसको यहाँ से करना है डन, बैक पे क्लिक कर रहे हैं एंड क्लैरिटी हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड टेक्चर को भी एंड सबसे नीचे जाना है आप लोग को एंड ग्रेन को बढ़ा लेंगे, ठीक है। सो गाइस हमारा फोटो एचडी दिखेगा, ग्रेन को आप लोग को बढ़ा लेना है, काफ़ी ज़्यादा शार्पिंग दिखेगा, ठीक है। एंड डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गाइस शार्पिंग है, इसको बढ़ा लेंगे हल्का सा, ठीक है, एंड इसको भी हल्का सा बढ़ा लेना है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग आ गया, फोटो काफ़ी मस्त लग रहा है। एंड फोटो गाइस यहाँ से हम कर लेंगे सेव टू डिवाइस, ठीक है। तो गाइस आशा करते हैं आप लोग को मेरे भाई वीडियो पसंद आए, तो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे भाई चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।